वेलकम बैक टू माई चैनल। मैं हूँ अंजनी और आज मैं आप लोगों के साथ सावन स्पेशल थाली की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। इस थाली की रेसिपी में मैंने कुछ रेसिपी व्रत वाले लोगों के लिए शेयर की है और कुछ रेसिपी मैंने उन लोगों के लिए शेयर की है जो कि पूरे सावन के महीने में बिना प्याज और लहसुन का खाना खाते हैं। तो ये जो थाली है उन दोनों लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो अगर आप लोगों को मेरी ये थाली की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी यूट्यूब चैनल दिलचस्प रसोई को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए पीसी हुई चीनी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे चीनी को पीस करके रखा हुआ है। अब हम इसमें डाल देते हैं कटे हुए आम को। तो यहाँ पर एक कटा हुआ मैंने आम लिया है और आम बहुत मीठा है, इसलिए यहाँ पर 2 चम्मच ही चीनी का मैंने इस्तेमाल किया है। अब इसमें हम डाल देंगे 2 से 4 चम्मच दूध। दूध हमें ज़्यादा यहाँ पर ऐड नहीं करना है क्योंकि आमरस जो होता है वो गाढ़ा होता है, पतला नहीं होता है, इसलिए आप ज़्यादा दूध का इस्तेमाल नहीं कीजिए। इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से ग्राइंड कर देंगे। सो फ्रेंड्स, ये देखिए आम को मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी डिजर्ट होता है, आप इसे ऐसे भी खा सकते हैं, पूरी पराठा के साथ भी खा सकते हैं। तो एक बार इसे ज़रूर बना करके ट्राई कीजिए। देखिए लड्डू बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर मैंने लौकी को कद्दूकस करके रखा हुआ है, ये देखिए। तो अब हम लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम डालेंगे कढ़ाही में घी। यहाँ पे 2 चम्मच हम शुद्ध देसी घी डाल देते हैं। घी मेल्ट हो चुका है तो अब हम इसमें डाल देते हैं कद्दूकस किए हुए लौकी को। सारे लौकी को मैंने इसमें डाल दिया है। अब एक बार हम इसे पलट लेंगे, ये देखिए। अब इसको ढक कर के हमें 5 मिनट छोड़ देना है ताकि लौकी जो है वो सॉफ्ट हो जाए। लेकिन आप इस बात का ध्यान दीजिए कि आपको जो गैस है वो बिल्कुल हाई पे रखना है क्योंकि लौकी के अंदर बहुत ज़्यादा पानी होता है और अगर आप लो फ्लेम पे रखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ेगा। यहाँ पर मैंने लौकी के रस को नहीं निचोड़ा है। उससे क्या होता है कि अगर आप रस को निचोड़ करके कोई भी स्वीट डिश बनाते हैं लौकी की तो वो उतनी टेस्टी नहीं बनती है जितना कि अगर आप रस के साथ बनाएंगे तो टेस्टी बनेगी। अब हमारा जो लौकी है वो भी अच्छे से गल चुका है और इसके अंदर का जितना भी पानी है वो सूख चुका है क्योंकि हमने इसे हाई फ्लेम पे बिल्कुल डाला था। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं सूखा दूध पाउडर, क्योंकि यहाँ पर मैं दूध या फिर मावा किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, इसलिए यहाँ पर हम सूखा दूध पाउडर ऐड करेंगे। इससे जो हमारी स्वीट डिश है वो काफ़ी अच्छी बनेगी। अब हम डाल देते हैं चीनी और फिर से हमें इसे फुल फ्लेम पर 5 से 7 मिनट भून लेना है बिल्कुल अच्छे से, ताकि चीनी के अंदर से जो भी पानी निकले वो भी सूख जाए और मिल्क पाउडर जो हमने इस्तेमाल किया है वो भी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे गैस के फ्लेम को बिल्कुल हाई ही रखना है, आपको लो नहीं करना है। और जब सारा पानी इसमें का सूख जाएगा तब हम इसे मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। वजह से जितना भी मॉइस्चर आया था वो अब सूखने ही वाला है। तो अब हम गैस के फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर अब इसे हम भूनेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सूख जाए और इसका जो टेस्ट है वो भी बढ़ जाए। उसके बाद ठंडा होने के बाद हम इसके लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर का सारा मॉइस्चर सूख चुका है और लौकी भी अच्छे से भून चुकी है। तो अब हम इसे ठंडा होने देते हैं और ठंडा होने के बाद हम इसके लड्डू बनाना स्टार्ट करेंगे। अब हमने जो लौकी का मिक्सचर तैयार किया है वो ठंडा हो चुका है, तो इसमें से हम थोड़ा सा लेंगे और अब हम इसे लड्डू का शेप देंगे इस तरीके से। तो ये देखिए मैंने लड्डू को शेप दे दिया है। तो अब यहाँ पर मैंने डाला हुआ है शुगर पाउडर। तो शुगर पाउडर के में हम इस लड्डू को इस तरीके से कोट कर देंगे, उससे देखने में हमारी जो लड्डू है बहुत अच्छे लगेंगे। तो यहाँ पे शुगर पाउडर में मैंने लड्डू को कोट कर दिया है और आप देख सकते हैं कि अब जो हमारा लड्डू है वो कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। पनीर की सूखी सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले पैन में डालेंगे हम तेल। अब हम इसमें डाल देते हैं 1/4 जीरा।
एक हरी मिर्च जिसे मैंने बीच से कट कर दिया है। यहाँ पे पनीर को मैंने कट करके रखा हुआ है, तो सारे पीस को हम इसमें डाल देते हैं। अब हम इसे अच्छे से भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए अब हमारे जो पनीर के पीस है वो फ्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसमें ऐड कर देते हैं अदरक। तो यहाँ अदरक का पेस्ट हम इसमें डाल देंगे। थोड़ा सा हम दाना डालेंगे, इसी से जो पनीर का फ्लेवर आएगा वो निकल के अच्छा सा आएगा और सूखी हुई पनीर की सब्जी भी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। इसके अलावा हम डाल देते हैं एक टमाटर, यहाँ पे हम डाल देंगे। अब हम डालेंगे हल्दी का पाउडर, बिल्कुल हल्का सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। मिक्स कर लेंगे। अब हम डाल देते हैं सेंधा नमक। तो यहाँ पे सेंधा नमक मैंने ऐड कर दिया है। सेंधा नमक के अलावा हम इसमें डालेंगे धनिया का पाउडर, बिल्कुल हल्का सा। धनिया का पाउडर भी हमें यहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि सूखी सब्जी हम बना रहे हैं तो इसमें ज़्यादा मसालों की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। तो धनिया का पाउडर भी मैंने डाल दिया है। अब इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे जीरा का पाउडर, उससे जो हमारी पनीर की सूखी सब्जी है उसका जो फ्लेवर है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया आएगा। तो थोड़ा सा जीरा का पाउडर भी हम इसमें डाल देते हैं। अब सभी चीज़ों को हम अच्छे से भून लेंगे। और ये देखिए कितना बढ़िया लग रहा है देखने में। टमाटर को आपको बिल्कुल भी गलाना नहीं है, बल्कि इसे ऐसे ही रखना है, तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। तो अब पनीर की सूखी सब्जी यहाँ पर हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब बाकी की रेसिपी हम बनाएँगे। साबूदाना खीर बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दूध लिया है और दूध हमारा गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देते हैं धुले हुए साबूदाने को। साबूदानों को मैंने 2 घंटे पहले भिगो करके रखा हुआ है, तो इसको हम इसमें डाल दे रहे हैं। अब 15 से 20 मिनट हम इसे पकने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, और बीच बीच में हम इसे इसी तरीके से चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे चिपके नहीं। तो 15 से 20 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा जो साबूदाना है वो पका है या फिर नहीं। तो ये देखिए साबूदाना जो हमारा है वो अच्छे से पक चुका है। हम इसे और ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, क्योंकि जब हमारी खीर ठंडी होगी तो वो और भी गाढ़ी हो जाएगी। तो अब हम इसमें डाल देते हैं चीनी। तो यहाँ पर मैंने चीनी ऐड कर दिया है। अब इसे मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे इलायची का पाउडर और इसे भी मिक्स करेंगे। और इसी के साथ हमारी साबूदाना खीर जो है वो रेडी हो चुकी है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो अब हम इसे उतार लेते हैं और बाकी बची जो हमारी रेसिपी है अब हम उसे बना लेते हैं। पनीर के पराठे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पनीर लिया है, तो अब हम इसे घस लेते हैं, यानी कि कद्दूकस कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से हमें इसे कद्दूकस कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच धनिया का पाउडर, 1/4 जीरा पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग रॉक साल्ट यानी कि सेंधा नमक। सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए और सभी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है। तो आटा गूंद करके मैंने रखा हुआ है, थोड़ा सा आटा का लोई ले लिया है। अब इसे हम राउंड करेंगे, सूखे आटे में इसे लपेट लेंगे। आप किसी भी यहाँ पे कोई भी व्रत वाला आटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसके अंदर हम अपनी स्टफिंग को डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने स्टफिंग डाल दिया है। अब इसे हम राउंड कर लेते हैं फिर से, और यहाँ पे आपको कवर कर देना है। और जिस तरीके से आप पराठे बेलते हैं बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे आपको इसे बेल लेना है। तो ये देखिए मैंने इसे अच्छे से बेल लिया है। तो अब हम इसे सेक लेंगे। गर्म होने के लिए मैंने डाला हुआ है, तो इस पर अब हम अपने पराठे को डाल देते हैं। अब हम इसे पलट लेंगे। तो अब हम इसके ऊपर तेल लगाएंगे। आप इसके ऊपर रिफाइंड ऑयल या फिर घी, जो भी चीज खाते हैं व्रत में वो लगा सकते हैं यहाँ पे।
इसके साथ मैंने बनाई है मटर की सब्जी। तो अगर आप व्रत में मटर नहीं खाते हैं तो फिर आप उसको स्किप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैंने जो थाली बनाई है वो इस तरीके से बनाई है कि व्रत वाले लोग भी खा सकते हैं ले और बिना व्रत वाले लोग भी खा सकें। यानी फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा पनीर पराठा भी रेडी हो चुका है। तो अब हम बनाएंगे आज की थाली की लास्ट रेसिपी, मटर की सब्जी, वो भी बिना प्याज और लहसुन की। तो चलिए अब उसे स्टार्ट कर लेते हैं बनाना। मटर की सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले हम डालेंगे तेल। मटर की सब्जी यहाँ पे हम कुकर में बना रहे हैं ताकि वो झटपट बन करके रेडी हो जाए। अब हम इसमें डाल देते हैं 2 तेज पत्ते, 1/2 चम्मच जीरा, 2 हरी मिर्च, बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च, 2 चीजों को हम अच्छा सा भून लेंगे। अब हम इसमें डाल देते हैं भिगोए हुए मटर को। मैंने पहले ही बताया ये रेसिपी मैं सिर्फ इसलिए ऐड कर रही हूँ क्योंकि कुछ लोग पूरे सावन में लहसुन और प्याज नहीं खाते हैं, बाकी सभी चीज़ें खाते हैं, वो व्रत नहीं रखते हैं। और व्रत वाले लोगों के लिए कुछ रेसिपी मैंने अपने थाली में डाली है और कुछ डाली है बिना व्रत वाले लोगों के लिए। तो ये थाली दोनों ही लोगों के लिए है, चाहे वो व्रत करे या फिर बिना लहसुन प्याज खाए पूरे महीने रहें। तो इसे हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे अदरक। यहाँ पे अदरक को मैंने कूच करके लिया है, इससे जो हमारी सब्जी है उसका जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। इसके अलावा हम डालेंगे हल्दी का पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर और रॉक सॉल्ट यानी कि सेंधा नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए। इसके अलावा एक हम टमाटर कट करके इसमें डालेंगे, तो टमाटर भी मैंने डाल दिया है। सभी चीज़ों को हम 1 मिनट भून लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो को देखने से पहले कमेंट बिल्कुल मत कीजिए कि व्रत में ये सभी चीज़ें नहीं खाई जाती, क्योंकि मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये सब्जी मैं व्रत के लिए नहीं बना रही हूँ, ये सब्जी मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो कि व्रत तो नहीं करते लेकिन पूरे महीने लहसुन और प्याज और जो प्लेन नमक होता है साधारण नमक वो नहीं खाते हैं बल्कि सेंधा नमक खाते हैं। तो मैंने एक ही थाली बनाई है अपने चैनल के लिए, लेकिन मैंने उन दोनों लोगों के बारे में सोचा है जो व्रत करे और जो व्रत नहीं करे, कि वो किस तरीके से अच्छा कम से कम सामान में अच्छी से अच्छी सब्जी या फिर कोई भी रेसिपी बना करके झटपट में तैयार करके खा पाएँ। तो ये सब्जी उन लोगों के लिए है। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। कुकर का ढक्कन लगा देंगे और 4 सीटी आने देंगे और 4 सीटी आने के बाद हम गैस के फ्लेम को लो कर देंगे और लो पे हम 10 मिनट पकाएंगे। उसके बाद हमारी जो सब्जी है वो रेडी हो जाएगी। देखिए हमारी जो मटर की सब्जी है वो रेडी हो चुकी है। तो अब हम प्लेटिंग करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए अब जो हमारी थाली है वो रेडी हो चुकी है। तो अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें और मेरे YouTube चैनल दिलचस्प रसोई को सब्सक्राइब कर लें। सो फ्रेंड्स, टेक केयर, गुड बाय। फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ।